बंद कमरों में भी इतनी धूल कैसे आ जाती है? कहीं इस धूल का कारण आपकी खुद की स्किन तो नहीं? वीडियो में जानेंगे आप। और कुछ ऐसे देश जहां कर्मचारियों को करना होता है हफ्ते में बस 4 दिन का, पर ये देश कौन से हैं? और एक ऐसा बच्चा जिसने ऑनलाइन गेम में मारे गए चाकू का बदला रियल लाइफ में चाकू मार कर लिया। और ज्यादा गर्मियों में दिमाग के लिए जल्दी और सही डिसीजन लेना कठिन कैसे हो सकता है? और हर तरफ तारीफ बटोरने वाले जापान ने कर दिया है एक ऐसा काम जिसके कारण उसकी हर जगह आलोचना हो रही है। पर ये अजीब काम क्या है? और भारत के पड़ोसी देश में लगने वाला है एक ऐसा बाजार जहां खुलेआम दुल्हन मिलती है। नंबर 19, घरों में मौजूद धूल को देखकर आपने कभी न कभी ये तो जरूर सोचा होगा कि दीवारों के अंदर इतनी सारी धूल कैसे आ जाती है। वेल दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके घरों में जो धूल मौजूद होती है उसमें से 50% धूल बाहर से नहीं आती है। एंड इवन ये धूल भी नहीं होती बल्कि ये इंसानों के स्किन सेल्स होते हैं। यानी आपके कमरे में जो धूल कण जमा होते हैं उसमें से लगभग 50% धूल कण आपकी अपनी स्किन होती है। आपको बता दें कि ह्यूमन बॉडी से प्रति घंटे लगभग 200 मिलियन स्किन सेल्स डेड होकर गिर जाते हैं और फिर बॉडी से अलग होने पर यही डेड सेल्स धूल बनकर घरों में जमा हो जाते हैं। नंबर 18, अपने देश में जिस इंसान के पास ड्राइविंग लाइसेंस हो तो फिर वो जब चाहे तब टैक्सी ड्राइवर बन सकता है, लेकिन लंदन में ऐसा नहीं होता। लंदन में टैक्सी ड्राइवर बनने के लिए लोगों को बेहद मुश्किल टेस्ट पास करना होता है, तब जाकर वो टैक्सी ड्राइवर बन सकते हैं। टैक्सी ड्राइवर बनने से पहले लोगों को 320 रूट्स, 25,000 स्ट्रीट्स और 20,000 लैंडमार्क्स एंड फेमस प्लेसेस को याद करना पड़ता है। इसके बाद लोगों को टेस्ट देना पड़ता है जिससे कि उनकी नॉलेज का पता लगता है। इस टेस्ट को पास करने के बाद ही लोगों को टैक्सी ड्राइवर बनने का लाइसेंस मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे प्रोसेस में 4 साल तक का समय लग जाता है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17, ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना किसी को भी पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी मजबूरन हमें रेड लाइट पर रुकना पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी का लगभग 6 महीने का समय ट्रैफिक सिग्नल पर रुककर रेड लाइट के ग्रीन होने के इंतजार में ही बिता देता है, यानी कि जिंदगी के 6 महीने बर्बाद। नंबर 16, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ह्यूमन ब्रेन इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है कि उससे एक बल्ब जलाया जा सकता है। वेल दोस्तों, आज मुझे ह्यूमन बॉडी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिला, और वो फैक्ट ये है कि ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के साथ ही लाइट भी प्रोड्यूस करती है। हालांकि ह्यूमन बॉडी से निकलने वाली ये लाइट्स इतनी कमजोर होती है कि इसे आंखों से भी देखा नहीं जा सकता। वैज्ञानिकों के मुताबिक बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से ह्यूमन बॉडी से लाइट्स निकलती है। इंसानों के अलावा अदर लिविंग बीइंग्स के शरीर से भी टिनी अमाउंट में लाइट्स निकलती है। अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 15, जैसे हम इंसान राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड होते हैं, वैसे ही बिल्ली भी राइट पाउड और लेफ्ट पाउड होती है। हालांकि बिल्ली के बारे में खास बात यह है कि इनका राइट पाउड और लेफ्ट पाउड होना नेचुरल नहीं बल्कि जेंडर पर आधारित होता है। फीमेल कैट्स राइट पाउड एंड मेल कैट्स लेफ्ट पाउड होते हैं, यानी कि फीमेल बिल्ली अपने कामों के लिए दाएं पंजे का ज्यादा उपयोग करती है, तो वही मेल बिल्ली बाएं पंजे से अपना ज्यादातर काम करते हैं। नंबर 14, अब तक तो पबजी एंड फ्री फायर जैसे गेम्स में बच्चों के द्वारा पैसे लुटाए जाने की खबरें ही आ रही थी, लेकिन अब इन गेम्स की वजह से हत्याएं भी होने लगी है। इन अ मोस्ट शॉकिंग इंसिडेंट, लखनऊ के 16 साल के एक लड़के ने गोली मारकर अपनी माँ की हत्या कर दी। पता है क्यों? क्योंकि उस लड़के की माँ ने उसे पबजी खेलने से रोकने की कोशिश की थी। इस बात से वो लड़का इतना नाराज हुआ कि पबजी का प्यार माँ के प्यार पर भारी पड़ गया और उसने अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी की जान ले ली। घटना के बाद उसने लाश को 3 दिनों तक घर में ही छुपाए रखा और छोटी बहन को धमकाकर अलग कमरे में बंद कर दिया। 3 दिनों बाद जब लाश से काफी ज्यादा बदबू आने लगी, तब उस लड़के ने कोलकाता में रह रहे अपने आर्मी ऑफिसर पिता को कॉल करके बिजली मिस्त्री के द्वारा माँ की हत्या करने की बात बताई। आर्मी ऑफिसर ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी और फिर 2 घंटे के भीतर ही पुलिस ने सारे मामले को सुलझा कर लड़के से सच उगलवा लिया। नंबर 13, दुनिया में कई ऐसी घटनाएं होती रहती है जिसे देख कर इंसानियत पर फिर से भरोसा जाग उठता है। ऐसी एक घटना वर्ष 2011 में अमेरिका के हॉवर्ड स्निट्जर नाम के 54 साल के एक शख्स को ग्रोसरी स्टोर में ही हार्ट अटैक आ गया। हॉवर्ड बेहोश होकर तुरंत जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उन्हें CPR देना शुरू किया। ग्रोसरी स्टोर में मौजूद लगभग 20 लोग बारी बारी से हॉवर्ड को 96 मिनट तक CPR देते रहे। 96 मिनट बाद जब वहां एम्बुलेंस पहुंची तो तब हॉवर्ड को हॉस्पिटल ले जाया गया एंड थैंकफुली उन 20 लोगों की वजह से हॉवर्ड की जान बच गई। इंडिया में आज भी कई ऐसे वर्क फील्ड है जहां सप्ताह में एक दिन की भी छुट्टी नसीब नहीं होती। वहीं दुनिया में कुछ ऐसे देश भी है जहां अब सप्ताह में 3 दिन की छुट्टी भी दी जाने लगी है। सप्ताह में सिर्फ 4 वर्किंग डेज वाले देशों की लिस्ट में अब ब्रिटेन भी शामिल होने वाला है। ब्रिटेन के लगभग 70 कंपनियों ने 4 डेज वर्क वीक का ट्रायल करना शुरू कर दिया है। इस दौरान कर्मचारियों को सप्ताह में सिर्फ 4 दिन काम करना होगा, लेकिन उन्हें सैलरी पूरे महीने की मिलेगी। नंबर 11, एक नॉर्मल इंसान का दिल 1 मिनट में 70 से 100 बार के बीच धड़कता है। वेल, ये तो हमें स्कूल में ही पढ़ा दिया गया था, तो अब हम 1 मिनट की बात छोड़कर 1 साल और पूरी जिंदगी की बात करते हैं। तो चलो जवाब दो, क्या आप जानते हो कि एक इंसान का दिल पूरी जिंदगी में कितनी बार धड़कता है? अगर आपको जवाब पता
पता है तो वीडियो पॉज करके आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और नहीं पता तो बस वीडियो देखते रहिए। मैं बताता हूँ, दुनिया में इंसानों का जो एवरेज लाइफ टाइम है उसके अनुसार एक इंसान का दिल पूरी दुनिया में 3 बिलियन बार धड़कता है। वही अगर साल की बात करें तो एक साल में इंसान का दिल 35 मिलियन बार धड़कता है। नंबर 10, आजकल के युवाओं में गेमिंग का नशा किस कदर छाया हुआ है इसका अंदाजा आप इस घटना से लगा सकते हैं। दरअसल फ्रांस के रहने वाले 20 साल के जूलियन बारियोक्स स्पैंच को काउंटर स्ट्राइक वीडियो गेम में एक दूसरे लड़के ने चाकू मारकर हरा दिया। अपने इस हार से जूलियन इतना बौखला गया कि उसने गेम में खुद को चाकू मारने वाले लड़के को रियल लाइफ में ढूंढ निकाला। इस काम में उसे 6 महीने लग गए। गेम में खुद को चाकू मारने वाले लड़के को ढूंढने के बाद उसने गेम का बदला लेने के लिए रियल में उस लड़के को चाकू मार दिया, लेकिन फॉर्चुनेटली घटना में उस लड़के की जान बच गई। नंबर 9, पुराने जमाने में जब कोई व्यक्ति राज्य के खिलाफ कोई काम करता था तो तब उसका देश निकाला हो जाता था। पुराने जमाने में इस कानून को हाल ही में ब्रिटेन के एक 14 साल के लड़के पर लागू किया गया है। वेस्ट मर्शिया के रहने वाले कैलन इवांस नाम के इस लड़के का शहर निकाला हो गया है, यानी इस लड़के को पूरे वेस्ट मर्शिया शहर में प्रतिबंधित कर दिया गया है, और अब ये लड़का उस शहर में नहीं रह सका। दरअसल अदालत को इतना कड़ा फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि खेलने कूदने की उम्र में ही इस लड़के ने शहर भर के लोगों की नाक में दम करके रखा था। लूटपाट से लेकर धोखाधड़ी और लोगों को धमकी देने तक इसने इस छोटी सी उम्र में ये सारे काम कर लाए। नंबर 8, अगर आप शादीशुदा होने के बावजूद सोशल मीडिया पर किसी अननोन लड़के से बात करते हैं तो अब आप सावधान हो जाइए, वरना आपका भी वही हाल हो सकता है जो इंदौर के एक शख्स का हुआ। ये शादीशुदा शख्स फेसबुक पर एक अननोन लड़की से काफी मीठी मीठी बातें किया करता था। प्यार के दावे करते हुए लड़के ने लड़की को ओलो में भी बुलाने की कोशिश की, एंड इवन उसने उस लड़की से शादी करने का भी वादा किया। एंड यू नो वो लड़की कौन थी? वेल, वो लड़की उस शख्स की अपनी पत्नी ही थी। जब इस महिला को अपने पति के कैरेक्टर पर शक हुआ तो तभी उसने फेक अकाउंट बनाकर अपने पति की ईमानदारी को परखना शुरू किया। नंबर 7, दुनिया में कब किस चीज की कीमत लाखों और करोड़ों में पहुंच जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी हाल ही में जॉनी डेप एंड एम्बर हर्ड के बीच चल रहे केस की चर्चा पूरी दुनिया में थी। इस केस के ट्रायल के दौरान इन दोनों ने जो ट्रायल रिस्ट बैंड बांधा था वो बैंड अब एक वेबसाइट पर 3.8 लाख रुपए में सेल के लिए अवेलेबल है। एक मामूली से रिस्ट बैंड के लिए इतनी ज्यादा कीमत, अनबिलीवेबल। नंबर 6, अगर आपको कभी कोई कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना हो तो मैं सलाह देता हूँ कि आप किसी ठंडी जगह पर चले जाओ। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हमारे आसपास का क्लाइमेट काफी गर्म होता है तो तब ह्यूमन ब्रेन कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने में लेस कैपेबल होता है, यानी कि ज्यादा गर्मी की वजह से ब्रेन की डिसीजन लेने की क्षमता कुछ हद तक कम हो जाती है। नंबर 5, क्षेत्रफल के हिसाब से अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से अमेरिका के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। अलास्का की जनसंख्या लगभग 7 लाख है, वही इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 1.723 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अलास्का के आकार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अलास्का में न्यू जर्सी जैसे 15 राज्य बसाए जा सकते हैं। नंबर 4, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट बैरी मार्शल ने अपनी रिसर्च में इस बात का पता लगाया है कि एच पायलोरी बैक्टीरिया की वजह से स्टमक अल्सर्स बीमारी होती है, लेकिन उनके इस रिसर्च रिपोर्ट पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। उन्हें कानूनी रूप से अपनी थ्योरी का इंसानों पर टेस्ट करने की इजाजत नहीं थी, जिसके बाद वो अपनी बात को साबित करने के लिए एच पायलोरी बैक्टीरिया को खुद पी गए। इसे पीने के कुछ दिन बाद ही उन्हें स्टमक अल्सर हो गया, जिसके बाद उन्होंने एंटीबायोटिक्स से खुद का इलाज किया। टेस्ट से पहले जो भी लोग बैरी मार्शल की बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे, अब वो भी उनके काम की तारीफ करने लगे। इस काम की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। नंबर 3, क्या आप ये बात जानते हैं कि अकेले अमेरिका में ही हर साल लोग लगभग 50 बिलियन बर्गर्स खा जाते हैं? बर्गर्स अमेरिकी लोगों के सबसे फेवरेट खाने में से एक है। ऑन एवरेज एक अमेरिकी नागरिक हफ्ते में कम से कम 3 बार बर्गर जरूर खाता है, तभी अमेरिकी लोग इतने ज्यादा मोटापे के शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मोटापे वाले देशों की लिस्ट में अमेरिका दुनिया में 14वें नंबर पर है। वैसे तो जापान हमेशा मस्त काम करते रहता है जिसकी पूरी दुनिया तारीफ करती है, लेकिन इस बार जापान ने एक ऐसा काम कर दिया जिस वजह से पूरी दुनिया में इसकी आलोचना की जा रही है। जापान की सरकार ने रेडियो एक्टिव वाटर को समुद्र में छोड़ने की इजाजत दे दी। ये रेडियो एक्टिव वाटर फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट का है। इस खतरनाक पानी को साल 2023 में समंदर में छोड़े जाने की योजना है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर समंदर के उस इलाके में मरीन लाइफ काफी ज्यादा प्रभावित हो सकती है और हजारों समुद्री जीव मारे जा सकते हैं। इसी वजह से जापान के इस फैसले का पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। नंबर 1, चीन के शंघाई शहर के पीपल्स स्क्वायर के पीपल्स पार्क में कई सालों से एक अनोखा शादी बाजार लगता है। इस बाजार में शादी का सामान नहीं बल्कि रिश्ते उपलब्ध कराए जाते हैं। एक चीनी वेबसाइट के अनुसार ये बाजार यहाँ लगभग साल 2005 से लग रहा है। हर वीकेंड में शनिवार के दिन इस बाजार का आयोजन होता है। कड़कड़ाती ठंड हो, बारिश हो या गर्मी, किसी भी स्थिति में ये बाजार ना लगा हो ऐसा कम ही मौकों पर देखा गया है। इस बाजार में लोग सड़क किनारे कागज की शीट पर चीनी भाषाओं में, विशेष रूप से मैंड्रीन में, विवाह योग के लड़के लड़कियों के बायोडेटा लेकर बैठे रहते हैं। इसमें लड़के या लड़की की उम्र, सालाना तनख्वाह, पढ़ाई लिखाई का ब्यौरा, जन्मदिन और जोड़ी साइन वगैरह लिखे होते हैं। विवाह योग्य लोगों के माता पिता या दादा दादी आदि आपस में इन
बायोडेटा को बदल देते हैं या फिर बाजार में आने वाले दूसरे लोगों को दे देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस बाजार में बढ़ती भीड़ की एक बड़ी वजह चीन में सेक्स रेशियो का असंतुलन भी है, जहां लड़कों की तादाद लड़कियों से कहीं ज्यादा है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।